राज्यतप दिवस की 50वीं जयंती के उपलक्ष्य पर प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर भित्ति चित्रों का कार्य आरंभ होगा, जिसमें जिला की समृद्ध कला, संस्कृति और इतिहास से संबंधित विषय शामिल होंगे। इस बारे जानकारी देते हुए जिला भाषा अधिकारी तुकेश शर्मा ने बताया कि उपायुक्त चंबा के निर्देशानुसार कलाकार भाषा एवं संस्कृति विभाग के चंबा स्थित रंग महल कार्यालय में भित्ति चित्रों का एक नमूना तथा एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि हर कलाकार को अपनी चित्रकारी का एक नमूने का चित्र साथ में लाना होगा, ताकि उनकी कला को परखा जा सके। हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 ईस्वी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 25 जनवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश अपना 50वीं जयंती मना रहा है, जिसके उपलक्ष्य पर उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय तथा संबंधित उपमंडल अधिकारी कार्यालयों के समीप भित्ति चित्रों का चित्रांकन एवं लेखन किया जाना है, जिसके लिए पूरे जिले के समस्त चित्रकारों को सूचित किया जाता है और निवेदन किया जाता है कि कोई भी चित्रकार इस अभियान में अपना सहयोग देना चाहता है और इससे जुड़ना चाहता है तो वो अपने चित्रों का एक नमूना लेकर उपमंडल अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकता है। इसके साथ साथ वह भाषा एवं संस्कृति विभाग रंग महल में आकर अपना पंजीकरण भी करवा लें। पंजीकरण के लिए वो अपने साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो ले आएँ और अपने चित्र का एक नमूना लेकर जिला भाषा अधिकारी कार्यालय में अपना पंजीकरण करवा लें। इन चित्रों का निर्माण जो है पिछले 50 वर्षों की जर्नी को देखते हुए बनाया जाएगा, जिसमें भरमौर के कल्चर को लेकर के या चंबा का जितना भी आर्ट है, ट्रेडिशन है, उन सारी चीज़ों को दीवारों पर लेखांकित किया जाएगा और उसके साथ साथ चित्रकारों को उसका स्क्वायर फिट के हिसाब से मानदेय भी दिया जाएगा। अपना पंजीकरण करवाने के लिए आए तो वो एक फोटोग्राफ अपना साथ में लाएं, जो उनका अपना स्वरचित होना चाहिए, उसमें वो फोन में भी खींच कर ला सकते हैं, ताकि जब चित्रकारी करवाई जाए तो उस समय उसका आकलन किया जा सके कि कौन से चित्रकार ऐसे हैं जो पहाड़ी चित्रकला में काफ़ी अच्छा योगदान दे सकते हैं और आने वाले समय में भी हम उन्हें जब कोई ऐसी बात होती है तो उन्हें हमारे पास एक पंजीकरण हो तो हम उनके साथ संपर्क साध सकते हैं। मुख्यालय में जहां बात करें तो जिलाधीश के कार्यालय के बाहर का जो स्थान है, हॉस्पिटल हो गया, बस स्टैंड हो गया, जहाँ सार्वजनिक स्थल हैं, जहाँ पर बाहर से पर्यटक आते हैं, ताकि उन्हें भी एक पूरे ज़िले के संस्कृति, कला और ट्रेडिशन से रूबरू होने का मौका मिल सके और पर्यटन की दृष्टि से भी इसको बढ़ावा मिल सके।